हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 28 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टील्थ सबमरीन का क्या नाम है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये नाम है INS वगैरह। इसका डिटेल देखते हैं। भारतीय नौसेना की 5वीं स्टील स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वगैरह को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत मेसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। वगैरह को सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय होने का गौरव प्राप्त है। किस संस्था ने म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे म्यूनिसिपल बॉन्ड से संबंधित सूचना के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य नगर पालिका ऋण जारीकर्ताओं और नगर पालिका ऋण बाजार में अन्य हितधारियों की सहायता करना है। QR कोड का उपयोग करके सूचना डेटाबेस भी एक्सेस किया जा सकेगा। रिपोजिटरी में प्री लिस्टिंग आवश्यकताओं के लिए चेकलिस्ट और एक जारीकर्ता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले बिचौलिए से नमूना प्राप्त और प्राण पत्र भी शामिल है इसमें। विश्व बैंक ने सबसे गरीब से तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? तो यह है बांग्लादेश की। इसका डिटेल देखते हैं। विश्व बैंक के प्रबंध निदेशक एक्सल वैन ट्रांटसबर्ग ने दुनिया की सबसे बड़ी विकास कहानी में से एक के रूप में बांग्लादेश की सराहना की है। देश अपनी स्थापना के समय सबसे गरीब देशों में एक था और इसने दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते देशों में एक बन गया है। 2000 के बाद देश की 6% की औसत से आर्थिक वृद्धि ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यह 1972 में गरीबी की स्थिति के साथ शुरू हुआ। 2015 में एक निम्न मध्यम आय वाला देश बन गया और अब एक उच्च मध्यम आय वाला देश बनने की राह पर है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना के ग्राहकों का आंकड़ा 2022 में किस मील के पत्थर को पार करेगा? 10 मिलियन को पार करेगा। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए लक्षित एक पेंशन योजना है। इसने 2022 में सबसे अधिक सब्सक्राइबर देखे हैं, जिसमें नामांकन में 36% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि एक कैलेंडर वर्ष में पहली बार यह आंकड़ा 10 मिलियन को पार कर गया। किस राज्य ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कारावास की सजा वाले कड़े कानूनों के तहत बुक करने की घोषणा की है? तो यह असम में। इसका डिटेल देखते हैं। असम कैबिनेट ने उन पुरुषों पर मामला दर्ज करने का फैसला लिया है जो नाबालिग लड़कियों से शादी करते हैं। उन पर 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक के कड़े कानून का प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में औसतन 31% लड़कियों की शादी निषिद्ध उम्र में हो जाती है और उनमें से 11% वयस्कता से पहले माँ बन जाती है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये असम की बात करें, यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, हेमंत बिस्वा इसके मुख्यमंत्री हैं। एक सदनीय विधानमंडल है, विधानसभा सीटें 126, राज्यसभा सीटें 7, लोकसभा सीटें 7 है यहाँ पे। हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना के पास माब्जा जांगो नदी पर बांध बनाया है? तो बनाया चीन पे। तो नई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि चीन तिब्बत में एक नया बांध बना रहा है जो भारत और नेपाल के साथ इसकी सीमा में त्रि जंक्शन के करीब है। बांध का उपयोग नीचे की ओर पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। इसका निर्माण माब्जा जांगो नदी पे किया जा रहा है। माब्जा कैलाश पर्वत से निकलती है और अंततः भारत में गंगा से मिलने से यह घाघरा और कर्णाली नदी में जाके मिल जाती है। हाल ही में यूएन ने 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास को 20 से घटाके कितने परसेंट कर दिया? ये किया है आपका 5% किया है। यह पूर्वानुमान संयुक्त राष्ट्र के विश्व आर्थिक और संभावना 2023 रिपोर्ट में जारी किया गया है। इस कटौती के पीछे कड़ी मौद्रिक नीति और कमजोर वैश्विक मांग के प्रभाव को कारण बताया है। भारत की विकास दर 5.8% पर मजबूत रहने की उम्मीद है। हालांकि यह 2022 में अनुमानित 6.4 से कम है, क्योंकि निवेश और निर्यात, उच्च ब्याज दरों और वैश्विक मंदी का असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को मनाया जाता है। यह हर साल दिवस एडोल्फ हिटलर द्वारा किए गए अत्याचारों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुमानित 6 मिलियन यहूदियों की मौत हुई थी। यह दिवस जनवरी 1945 में नाजी नियंत्रण में आशविट्ज विरगनों की मुक्ति की याद दिलाता है। वर्ष 2023 की थीम है होम एंड बिलोंगिंग। प्रलय यह सभी यहूदी लोगों को खत्म करने के लिए नाजी जर्मनी का अंतिम समाधान था। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास वीर गार्डियन का यह संपन्न हुआ है? 2023 यह संपन्न हुआ है जापान में। यह जापान में हयाकुरी एयरबेस में भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच पहले द्विपक्षीय हवाई अभ्यास क्रम में आयोजित किया गया। पहली बार भारतीय सेना महिला लड़ाकू पायलट विदेश में आयोजित किए गए हवाई युद्ध में भारतीय दल का हिस्सा बने।
ये 12 से 26 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने NMCG सेमिनार का आयोजन किया, दिया गया है दिल्ली में, इसका डिटेल देखते हैं। स्वच्छ गंगा के तहत राष्ट्रीय मिशन और भारतीय वन जीव संस्थान ने जनवरी 2023 में नई दिल्ली में जीवन के लिए मोटे अनाज के लिए गंगा बेसिन में जलवायु अनुकूल स्थानीय समुदायों को विकास विषय पे एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य गंगा बेसिन में सतत विकास और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में रणनीति तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमसे जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले ही रो पे दिया गया है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, यहाँ से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह एक नई वीडियो में, तब तक।